क्या हो रहा है? थोड़ी थोड़ी देर में लगता है अंधेरा ही हो जाएगा। मीटी, हम पावर सप्लाई ला सकते हैं यहाँ का? कार बैटरीज, हमें कुछ कार बैटरीज और इन्वर्टर की जरूरत है। मेरे साथ चल, आप सब हमारे साथ चलिए प्लीज। तारा, मैं स्वीटी मीटी को देख कर आती हूँ। अपने लिए, हम सब के लिए इनसे लड़ना होगा और जीतना भी होगा। वेट कर रही हूँ वीर, तुम्हें सही सलामत वापस आना ही होगा। Because होकर भी चकमा नहीं दे पाया, इसलिए अंगूठी के लायक तो है ही नहीं तू। मायावी अंगूठी के असली हकदार हम असुर हैं। ला, दे मुझे। रक्षा करो प्रभु, अपने भक्तों की पुकार सुनो। हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। कहाँ चला गया तू? भाग गया क्या? ए भगोड़े! चीज का इलाज है पर ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं।
खाना नहीं खा सकते, पर हीरो की लात तो खा सकते हो। इतनी शक्ति कहां से आ गई इसमें? भगवान जी प्लीज वीर को सेफ रखना, प्लीज उसे कुछ ना हो। ओके गाइस, सो शहर से बाहर जाने के सिर्फ 4 एग्जिट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो सब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अलर्ट कर दो। ओके गो। भैया कहाँ होंगे? बेटी भैया जहाँ पे भी होंगे ना बिल्कुल सेफ होंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इनका भाई मौत से लड़ रहा है। वीर तुम्हें वापस आना ही होगा अपनी बहनों के लिए। यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू कम बैक। पूर्णिमा की रात तो ये बिल्कुल दुर्बल हो गया था, आज अचानक इतनी शक्ति कहां से आ गई इसमें? अमावस, महाशिवरात्रि की अमावस। दंड स्मरण रहे, यदि इस पूर्णिमा की रात उस मायावी अंगूठी की शक्तियों का प्रभाव सबसे कम रहा तो महाशिवरात्रि की रात अर्थात आगामी अमावस्या की रात को वो शक्तियां अपने चरम पर रहेंगी। इसका अर्थ यह है कि उस दिन उस अंगूठी धारक का बल सहस्त्र गुना अधिक हो जाएगा और हमें आशंका यह है कि उस समय पूरी असुर सेना भी कम पड़ जाएगी और तुम्हारे लिए भी उसे परास्त करना असंभव सिद्ध होगा। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? सच कहा है कि क्रोध और लोभ दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। अंगूठी प्राप्त करने और इस हीरो को मरने में इतना मग्न हो गया कि भूल ही गया कि आज अमावस्या की रात है, महाशिवरात्रि है, अंगूठी की शक्तियां आज चरम पर होंगी। मुझे किसी भी हाल में इस हीरो को रोकना होगा। क्या सोच रहे हो अंकल? अपना सामान बांध लो, तुम्हारा वीजा लग चुका है, बस थप्पा लगाना बाकी है। अब सबसे पहले तेरी बोलती बंद करूंगा मैं। ये मूर्ख अपने शहर को शहीद करके ही मानेगा। अब पछताएगा तू। भूल से भी ऐसी भूल मत करना, इससे पहले कि तुम्हें लीवर कीजिए मैं तेरी बॉडी से तेरा हाथ अलग कर दूंगा। तीस सेकंड बचे हैं मूर्ख, तेरा ये शहर बर्बाद होने में। संभव है, इसे यान से बाहर ले जाना होगा। अब यही एक रास्ता है। मेरे लिए 30 सेकंड ही काफी हैं।
स्पेसशिप आईटीएम टावर्स के ऊपर था। इसका मतलब वो लोग वहीं कहीं गिरे होंगे। मुझे वहां जाना होगा, मुझे वहां जाना होगा। तुम लोग यहीं रहना, कहीं मत जाना, ओके? मैं आ रही हूँ वापस। जस्ट बी हियर, बाहर मत जाना। अरे भाई लोग, अरे चलो ना यहाँ से घर पे, क्या सेफ नहीं है, जाओ जल्दी। अरे ये हीरो चलना। अरे ये हीरो, एक हीरो काफी है, तुम नहीं चाहिए अभी। चलो पीछे, चलो चलो पीछे। तंबे तंबे, लगता है हीरो एलियन के साथ स्पेसशिप से कूद चुका है। क्या करे साहब, मुझे पता है कहाँ गिरा होगा। तू गाड़ी निकाल, चल 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 चल, चल। जितनी ताकत है लगा दे दंश, जिसे बुलाना है बुला ले, बाद में मत कहना कि हीरो ने मौका नहीं दिया। कहाँ है वीर? यही तो गिरा था। वीर, वीर, क्या बात है बच्ची? एलियन का फलूदा बना दे, मैं रबड़ी लेकर आता हूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज रुकिए रुकिए। वो ब्लास्ट कहाँ हुआ है? मुझे वहां जाना है। अरे दिमाग खराब है क्या? अरे सब भाग रहे हैं वहां से। रुको प्लीज, प्लीज। अरे वो ग्राउंड पर एलियन लोग का अटैक होने वाला है, वहीं लैंड किए हैं वो लोग। एक मिनट, एक मिनट, कौन सा ग्राउंड? उधर 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 उधर। इस लड़ाई का अंत करना होगा। जो भी मेरे शहर पर बुरी नजर डालेगा, ये साइन उसके लिए बुरा सपना होगा। दंश, चलो गाइस, चल चल चल, सामने आ जाओ। पोजीशन लो अपनी अपनी, कवर करो खुद को। मेरे ऑर्डर के बगैर कोई फायर नहीं करेगा। अबे ये क्या चीज है? कितना भयानक एलियन है ये। होल्ड योर पोजीशन गाइस। Guys, get ready for the fire. साहेब, गोली का तो असर ही नहीं हो रहा इस पे। अरे हम लोग तो मच्छर के काटने में भी इससे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तांबे, बहुत डेंजरस एलियन है वो। अभी इस सिचुएशन में हमें सिर्फ हीरो बचा सकता है। अपनी इन हरकतों से किसी और को डराना, दंश से तो देवता भी थर थर कांपते हैं। फिर गायब हो गया, डरपोक कायर। हिम्मत है तो सामने आ। ये सब बोलकर तू कहीं खुद को दिलासा तो नहीं दे रहा है दंश? मुझे किसी भी तरह उस महायान तक पहुंचकर उस मिसाइल को डीएक्टिवेट करना होगा, नहीं तो शहर पर खतरा बना रहेगा। हीरो, बहुत हो गया लुका छिपी का खेल, ये मार धाड़। तुझे क्या लगा तू जीत गया? मैं तो तेरा ध्यान भटकाने के लिए तुझे यहाँ लेकर आया था मूर्ख, ताकि महायान की मेरी वो मिसाइल मैं यहीं से सक्रिय कर सकूं। सुन रहा है तू? और अपनी मिसाइल को सक्रिय करने के लिए मुझे यान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से ये देख, सिर्फ एक बटन दबाने से तेरे पूरे महानगर के परखच्चे उड़ जाएंगे। आता है सामने या दबाऊं बटन? अब मेरी बात ध्यान से सुन, एक आखिरी मौका। मैं दंश तुझसे वादा करता हूं, अगर तूने मुझे मायावी अंगूठी लौटा दी तो मैं तेरे महानगर को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तेरे चाहने वाले इंसान और इंसानियत दोनों बच जाएंगे।
खत्म होगी तो तेरी शख्सियत, तेरा वजूद, तेरे हीरो होने का वजूद, जिसकी वजह से तू बार बार गायब हो जाता है। बोल, नहीं तो दबाऊं बटन। लालच नहीं है मुझे इस अंगूठी का दंश, है तो बस फिकर, अगर ये अंगूठी गलत हाथों में लग गई तो तू इसका क्या कर सकता है। और वैसे भी मैं तेरी बात क्यों मानूं? इसके अतिरिक्त कोई विकल्प है तेरे पास? वो तो दिल बड़ा है मेरा, जो तुझे एक और मौका दे दिया। मूर्ख, अब भी वक्त है अंगूठी लौटा दे। हम असुर यहाँ से चले जाएंगे, कोई रक्तपात नहीं होगा, तेरा महानगर, तेरे लोग सब बच जाएंगे। क्या सोच रहा है मूर्ख? हीरो, तू ऐसे नहीं मारेगा। अब ये बटन दबाने से पहले मैं 3 गिनूंगा। 3। इसे तो गेम ही चेंज कर लिया। असुरों के रिंग है, उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब सुपरस्ट्रांग, जो दिल का साफ, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे, एक असली हीरो। दो, नहीं, वो हीरो एक इस बात का जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट ना कर सके। इस रिंग ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी एग्जिस्टेंस इस रिंग से है, पर उसकी कीमत लाखों लोगों की जान से ज्यादा नहीं है। कई बार एक बड़ी लड़ाई जीतने के लिए एक छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये रिंग दंश को देने का मतलब अच्छाई की हार नहीं बल्कि इंसानियत की जीत है। मुझे माफ कर देना रिंग, लेकिन अगर आज पापा यहां होते तो शायद वो भी यही कहते कि इंसान रिंग से नहीं, अपने फैसले से हीरो बनता है। रुक जाओ दंच, ये रिंग चाहिए ना तुम्हें? मैं देता हूं तुम्हें ये रिंग। उस हीरो ने एलियन की तरफ कुछ फेंका, कुछ देखा तूने? पता नहीं साहब, यहां से तो नॉर्मल इंसान ही दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख पा रहा हूं मैं। ए, लेकिन ये हीरो है कौन? मायावी अंगूठी अब मेरे पास है, मैं
मैं शीघ्र इसे आपके पास लेकर आ रहा हूं। मानव, दर्श ने तुझे वचन दिया था, इस शहर को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ क्लियर दिख रहा है क्या? यहाँ से तो नॉर्मल इंसान ही दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख पा रहा हूं मैं। तुझे क्षमा नहीं करूंगा, भाग, जान बचाकर भाग अपनी। आप तंश नहीं छोड़ेगा तुझे, मुझसे छल किया है तूने। लेकिन कुछ तो कीजिए साहब। हमें एक काम कर, गाड़ी में एक रील वाला कैमरा है, वो निकाल के ले किया, जल्दी। हेगड़े, गाड़ी में रील वाला कैमरा है, निकाल के ला। यस सर। तांबे, कवर कर मुझे। यस सर। अपने भगवान को याद कर ले वीर नंदा। तांबे, इसका जूम करने के बाद भी चेहरा दिख नहीं रहा है। तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया है तंज। अगर तुझे मुझे मारना है तो मार दे, पर अपने आप को एक योद्धा कहते हैं ना, तो क्या अपने दुश्मन की कभी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेगा। ये नाम हीरो, ये मुझे मेरे पापा ने दिया था। नाम से ज्यादा अगर कोई चीज मुझे अजीज है तो मेरे पापा है। बस इतना जानना चाहता हूं कि अमल नंदा मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। पापा, 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 पापा।
मैं तो हीरो के पॉड को अटैक कर रहा था, बेहोश कहां से हो गया? दंश और हीरो आमने सामने, अब हीरो तो गया। मैं दंश से मार क्यों नहीं रहा है? टाइम पास करने गए क्या एलियन चाचा? लगता है दंश कमजोर पड़ गया है किसी वजह से। एक का नुकसान दूसरे का फायदा, अब मैं हीरो और दंश दोनों को मारकर रिंग भी ले लूंगा और क्रेडिट भी। हीरो को किसने मारा? रॉकी की मिसाइल ने मारा। और किसको मारा? दंश हीरो दोनों को मारा। What the luck? मैं खाता क्या है डेथ पे दानव? ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जीत के भी हार के हम हैं? माया भी अंगूठी मेरे पास है पर खुशी नहीं है। ऐसा क्या था उस वीर नंदा की बातों में जो अपने आप से ये सवाल पढ़ने लगा हूं मैं? दंश कौन है मेरे भीतर जो कचूट रहा है मुझे? बच गया? कोई नहीं, कोई नहीं बच गया। तो हीरो तो मर गया। आप मिसाइल के बीच में क्यों आ गए थे? कोई नहीं, ये बॉडी आपने जो बना रखी है ना, क्या खिलाती है आंटी? अरे थोड़ा सीरियस मोड हटाओ ना, पार्टी करते हैं, किल इट ब्रो। अरे रिंग हमारे पास आ गई है, थोड़ा जश्न मनाओ गाइस, क्योंकि कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुट्ठी में। वाहो, जय शतान दंश तुम्हारा छोटा। अरे
दंच दंच दंच, मेरे वीर पराक्रमी दंच, आज तुमने असंभव को संभव कर दिया। हम तो अभिभूत हैं तुम्हारे दानवीय अवतार के पराक्रम को देखकर। आज सभी ग्रह रचनाएं ये देख लें कि शुक्रवासियों से लोहा लेना कितना घातक हो सकता है, और देख लें देवगण भी कि अंततः विजयी पताका शुक्र ग्रह पर ही लहराता है, और इसका श्रेय तुम्हें जाता है मेरे दंच। अति शीघ्र ही अपने ग्रह वापस लौटाओ मेरे वीर योद्धा, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो देखो, एलियंस वापस जा रहे हैं। सब लोग ठीक है? तमे तमे टीम को लेके निकलो यहां से, जल्दी चलो 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 निकलो। पीछे पीछे साहब चले गए। हाँ चले गए, लेकिन जाते जाते बहुत बड़ा नुकसान करके चले गए। हीरो ने अपनी जान गंवाकर पूरे शहर को बचाया। वो साहब वो तो रियल लाइफ हीरो निकला। हीरो, इस हीरो के बारे में सबको पता चलना चाहिए। वानर सेना के प्रमुख नीले छिछिंदर हैं भाई, जब माहौल रंगीन है तो भाई साहब क्यों संगीन है इतने? क्या इनकी मम्मी पिकनिक पे लेके नहीं जाती थी क्या बचपन में हमें? क्या हम तो पारी करेंगे ना। उठाओ इसको, उठाओ 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 उठाओ, अब करो पारी। रिंग आ गई हमारे पास, हीरो को मार दिया है हमने। देखिए मानता हूँ कि आप थोड़े साइलेंट किस्म के आदमी हैं। मूवी चल रही है क्या? अच्छा चलिए अब छोड़िए, ये बताइए अब कहाँ पे अटैक करना है, किधर अटैक करना है मुझे बताइए आप। खंबे से बात कर रहा हूँ क्या? आपसे बात कर रहा हूँ मैं। ओ हेलो, आपसे आवाज आ रही है? अरे यार क्या सोच रहे हैं आप, रिंग आ गई हमारे पास। हमारे पास रिंग है, मार दिया हमने, जो चाहिए था सब हो गया। लेट्स पार्टी ब्रो। अरे आपने मारा है, सुनाई दे रही है ना आपको? देखो देखो देखो, हैं धरती माता कितनी खुश है, हीरो गायब हो गया है। जय माँ धरती। अरे लेट्स किल इट ब्रो, लेट्स पार्टी। हमने किल कर दिया है, हीरो को मार दिया है, अब करेंगे पार्टी, बिकॉज हमने मारा है हीरो को। थैंक यू गाइस, थैंक यू, वी किल हीरो, लेट्स पार्टी। एक हक दो, अब एक और शब्द नहीं।
मारेगा, मेरा विनाश करेगा। क्षमता है तुझ में बैठे, जब तन और मन दुर्बल हो तो अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम लोग अरेंज कर पाए। आज हमें ये समझ के चलना होगा कि आज अगर हम लोग जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ हीरो की वजह से। अपनी आंखों से देखा हमने उसे लड़ते हुए उस येड़े एलियन के साथ। क्या लड़ा भाई गॉड, हम सब के लिए। हमने देखा बहुत। बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी। उस एलियन के साथ हमारा हीरो अकेले लड़ रहा था आखिरी सांस तक। एलियंस तो चले गए लेकिन जाते जाते हमारे हीरो को भी ले गए। अचानक कहीं से मिसाइल आई और सब खत्म। हीरो ने हमें तो बचा लिया, हमारे शहर को भी बचा लिया, लेकिन खुद नहीं बच पाया। फाइटर था लेकिन ऐसे लोग हमारे बीच में बार बार नहीं आते। सल्यूट है हमारा, हमारे शहर और हमारे देश के असली हीरो को। हीरो ने अपनी जान पर खेलकर इंसानियत को, अपने शहर को और अपने लोगों को बचा लिया। एलियंस तो चले गए लेकिन साथ में चला गया हमारा हीरो। आज ये शहर नहीं होता अगर हीरो ने अपनी जान की बाजी ना लगाई होती। हीरो सेव्ड अस ऑल, लेकिन अपनी जान हम सब के लिए कुर्बान कर दी। आखिरकार ऐसे ही उसे हीरो नहीं कहते थे। वीर, वीर कुछ आवाज तो दे यार, वीर। हो सकता ये तूने क्या कर दिया यार, क्या क्या तूने? ये सच नहीं है, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा ना पाप के फिर से, पहले इतनी कोशिश की थी पाप, बहुत अकेला पड़ गया था मैं पापा। I needed you. बहुत थक गया हूं पापा, सिर्फ लड़ रहा हूं, टूटता हूं, गिरता हूं, बिगड़ता हूं, फिर उम्मीद की ग्लू स्टिक से खुद को जोड़कर वापस खड़ा होता हूं। हमने उठने का मन है तो लड़ने की हिम्मत। आई विश आप मुझे मिल गए होते पापा, एक बार आपको गले लगा पाता, पर आप मेरे सामने
सीने से लगकर रहना चाहता हूं। बहुत सुंदर है। आखिर तू ना पहला इंसान है जो भाई वीनस तक पहुंच गया। हिस्ट्री क्रिएट कर दी तुमने। एक सेल्फी तो बनती है। इस अंडरटेकर को बाद में देखूंगा। महादानव, महापराक्रमी दंश, तुम्हारा स्वागत है। ये वही पल है जिनके लिए असुरों ने काल के अनेकों चक्र पार किए, अनेकों बार पराजित हुए, अनेकों बार अपमानित, परंतु अब नहीं, अब केवल विजय का नाद इन सब के सपनों को तुमने पूरा किया है धंज। आओ वीर धंज। गिरगिट में सारी फोटो जिसको दे रहा है तो धनिया काटने आया था ना यहाँ पे। जब मैं अंगूठी चोर को मार रहा था तो मुझे उस समय नंदा का एहसास क्यों हुआ? पापा! उसका जीवन उसके बिताए हुए पल मेरी आंखों के सामने क्यों आने लग गए थे? हीरो को मार देना चाहिए था मुझे, और मैं दंश उसे बचाने क्यों लग गया? मैं बस यही रहना चाहता हूँ पापा, आपके पास, बस इस तरह आपके साथ हमेशा। प्लीज मुझे अपने पास रह दे दीजिए पापा, प्लीज पापा। मैं बहुत थक गया हूँ पापा, बहुत थक गया हूँ। नहीं वीर, अभी ना तो सोने का वक्त हुआ है और ना ही थक के बैठ जाने का। अभी तो जीवन में बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है तुझे। हीरो है तू, मेरा हीरो। और बेटा हीरो बनना आसान नहीं होता वीर, तेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी। हाथ दे मुझे, कम ऑन। चल मेरे साथ।
कुछ? क्षमा करो शुक्र। आपकी मायावी अंगूठी नहीं दंश, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसे वो स्वीकार करेंगे, वो जिसकी प्रतीक्षा कालांतर से हम सब कर रहे हैं, वो जो हम सब के स्वामी हैं, वो जिनके आशीष और अनुकंपा से तुमने पृथ्वी को कंपित किया था। अब समय आ गया है दंश कि इसे अपने असली स्वामी को सौंपा जाए, और वो भी तुम्हारे हाथों से। क्योंकि कई वर्षों से असुर कुल के स्वप्न को तुमने पूरा किया है दंश। जो किया करो शुक्र। आओ महामहिम असुर श्रेष्ठ का आशीर्वाद ले लो। तो बैलेंस शीट के सस्पेंस अकाउंट में यहाँ कोई है जो अपनी शक्ल दिखा दे एक बारी में? हे असुर श्रेष्ठ, अपने भक्तों की भेंट स्वीकार करें। यह है काल के संरचना की सबसे दुर्लभ गतिविधि। हर मनवांतर में जब भगवान अपने अवतार को बेचते हैं, तब हर मनवांतर में एक तारकासुर का आना निश्चित है। आने वाले मनवांतर से, आने वाले युग से आग्रह कर ले आए हैं हम हमारे असुर श्रेष्ठ इस युग के तारकासुर। बलि दंश, तुमसे मिलने के लिए उत्सुक था मैं। सुना है असुरों की विजय के लिए तुम्हारा बड़ा बलिदान रहा है। इस मायावी अंगूठी को पाने के लिए
असुरों ने बहुत कुछ खोया है, आज ही अपने उचित स्थान पर वापस आई है। पुत्र, तीन महाशक्तिशाली पुत्र जिन्हें निश्चित आदाज करना उनका नाश कर दिया। पराजित हुए थे हम, त्रिपुर का विध्वंस और छूट गई थी यह मायावी अंगूठी, परंतु अब बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, अब सिर्फ असुर का राज होगा। मेरी मायावी अंगूठी, रुक जाओ। कैसे? वो अंगूठी अपने पूर्व स्वामी उस मानव के पास तभी जा सकती है यदि वो जीवित हो, और तुमने उसे मार दिया था। शैतान चौकड़ी,
गुरुदेव आदेश हो। शीघ्र अति शीघ्र उस अंगूठी को उसके स्वामी समेत यहाँ ले आओ। जाओ ढूंढो देखो जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं एक बार फिर महादेव शिव ने अपना परपंच रचा हो। वो रहा अंगूठी धारक। अंगूठी उसी के पास होगी ना। चलो चलकर देखते हैं। ऐ धन और पराये माल पे नजर नहीं डालते, बुरी आदत है। ए? कौन है तू? और ये जो तू कर रहा है ये तो असुरी विद्या है, इसके बारे में तुझे कैसे पता? कहानी सुनोगे? आज से बहुत समय पहले की बात है। चुप, चला जाए यहाँ से। हम यहाँ किसी विशेष कार्य से आए हैं। हे शिवा। प्रयोजन यानी हिंदी में उद्देश्य, इंग्लिश में पर्पस और फ्रेंच में ऑब्जेक्टिव। वाह। तो क्या प्रयोजन है तुम छछंद्रों के यहाँ आने का? अंगूठी तो इसके पास है, कहीं अंगूठी का असली स्वामी यही तो नहीं? अंगूठी दे दे हमें। बात 80 के दशक की है। फिल्म का नाम शराबी, फिल्म समझते हो ना, चलचित्र। उसमें विक्की बाबू से भी किसी ने ऐसी अंगूठी वगैरह मांगी और उन्होंने। बेकार की बातें मत कर, अंगूठी दे दे। अरे यार कितने कठोर हो तुम, कहानी भी नहीं सुनते। आई एम हर्ड। अब अगर अंगूठी लेनी है ना। हे शिवा। तो आके ले लो।